हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर 2 फॉर बीएससी थर्ड सेमेस्टर। आज हमें पढ़ना है वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म। हमें पढ़ना है, जैसे हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, रिलेशनशिप बिटवीन केपी केसू एंड व्हाट इज योर केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जस्ट रिलैक्स हो जाओ, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें तीन डेरिवेशन होंगे, वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म, वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर, आइसोबार एंड क्लीजिस क्लिप्रॉन इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लीजिस क्लिप्रॉन इक्वेशन तो बिल्कुल डायरेक्ट आती है पेपर में। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम आराम से अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म। जो वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म, जैसे नाम से पता चल रहा है आइसोथर्म, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो तुम्हारी कंडीशन क्या है, आइसोथर्म। आइसो का मीन्स कॉन्स्टेंट, थर्म मीन्स टेम्परेचर, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो तुम्हारा टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, दैट इज आइसोथर्मल कंडीशन है। ठीक है, इसको हम दूसरे नाम से बुला सकते हैं, दैट इज थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ ऑफ डेरिवेशन। ये तुम्हारा लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म भी बोला जाता है, या फिर थर्मो का तो तुम्हारा क्या होता है, फर्स्ट, ये तुम्हारा थर्मोडायनामिकली फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जो तुम्हारा फर्स्ट लॉ है केमिकल इक्विलिब्रियम का, उसको भी एक्सप्लेन करेगा। अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो भी तुम यही डेरिवेशन अटेम्प्ट करोगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो डेल्टा जी होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू में क्या होती है, प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट होती है। ठीक है, ये आर और पी मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखो, डेल का मीन्स क्या है, यहाँ पे चेंज है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। जी क्या है, तुम्हारी गिब्स फ्री एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी माइनस में रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, चेंज इन फ्री एनर्जी, वो क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट्स की फ्री एनर्जी माइनस में रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी। दोनों को माइनस करोगे तब तुम्हें क्या मिल जाएगा, डेल्टा जी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, पिछले लेक्चर हमने ये भी पढ़ा था कि जी इज इक्वल टू म्यू। जी किसके इक्वल होती है, म्यू के इक्वल होती है, दैट मीन्स जो तुम्हारी गिब्स फ्री एनर्जी होती है, ये गिब्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल है, म्यू आई, दैट इज योर केमिकल पोटेंशियल होता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल होती है, म्यू आई, दैट इज योर केमिकल पोटेंशियल, जो तुमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि दैट इज हमारा क्या है, केमिकल पोटेंशियल है तुम्हारा, क्या है ये केमिकल पोटेंशियल, दिस इज योर फ्री एनर्जी। ठीक है, तो जो तुम्हारी गिब्स फ्री एनर्जी वो किसके इक्वल होती है, केमिकल पोटेंशियल के। इसलिए जहां पर भी जी लिखा हुआ है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आई मेंशन कर सकते हैं। एक रिएक्शन हम कंसिडर कर लेते हैं पहले, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन, देखो कुछ भी नहीं है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हम मेंशन करेंगे, एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, जिसमें तुम्हारा क्या है, ए है प्लस बी है फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन है, एल है प्लस में छोटा एम बड़ा एम। ठीक है, इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन में ये हो रहा है कि जो तुम्हारा ए है वो स्मॉल ए क्या है, कोफिशियंट ऑफ ए रिएक्टेंट, स्मॉल बी इज कोफिशियंट ऑफ बी रिएक्टेंट, और क्या लगा दिया बीच में, केमिकल इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया, ये स्मॉल एल हो जाएगा और ये लार्ज एल हो जाएगा, दैट इज प्रोडक्ट, ये तुम्हारे प्रोडक्ट है, ये तुम्हारे रिएक्टेंट है। जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में क्या होते हैं तुम्हारे रिएक्टेंट, तो ये तुम्हारे रिएक्टेंट है और ये तुम्हारे क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, तो ये तुम्हारे क्या है, लेफ्ट साइड में जो तुम्हारे हैं दैट इज योर रिएक्टेंट और सेकंड वन इज योर प्रोडक्ट, इनके आगे जो लिखे हुए स्मॉल लेटर्स में देयर कोफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, इसी की फॉर्म में प्रोडक्ट, अगर तुम इसका म्यू लिखना चाहते हो, म्यू लिखो तो क्या लिखोगे, म्यू हो जाएगा, ए हो जाएगा और ए हो जाएगा, बी के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो म्यू बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, म्यू एल लिखना चाहते हो तो एल हो जाएगा म्यू, और ये क्या है, एम, तो स्मॉल एम हो जाएगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी, जिस जैसे गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो केमिकल पोटेंशियल के इक्वल रखी जा सकती है, तो उसी तरह से इसके टर्म्स में गिब्स फ्री एनर्जी क्या लिखी है तुमने, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अगर इसके लिए केमिकल पोटेंशियल लिखो तो कैसे लिखोगे, म्यू हो जाएगा, आगे कोफिशिएंट रहेगा और सब्सक्रिप्ट में क्या रहेगा, रिएक्टेंट,
वैसे प्रोडक्ट के केस में हो जाएगा आगे कोफिशेंट और सब्सक्रिप्ट में क्या रहेंगे प्रोडक्ट्स तुम्हारे रहेंगे। तो यहाँ पर भी वही लिख सकते हो तुम्हारे दो प्रोडक्ट हैं और दो तुम्हारे रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो जी की जगह क्या ले सकते हो म्यू एल, एल हो जाएगा प्लस में म्यू एम हो जाएगा, ये तुम्हारा एम हो जाएगा ठीक है। ये तुम्हारे क्या है प्रोडक्ट है, माइनस में रिएक्टेंट कर दोगे, रिएक्टेंट में क्या है ए है, ए है प्लस म्यू बी है, ये बी है, तो ये तुम्हारे रिएक्टेंट हो जाते हैं। कुछ भी नहीं लिखा, गिब्स फ्री एनर्जी की जगह हमने गिब्स फ्री एनर्जी को म्यू से हमने रिप्लेस किया, दैट इज केमिकल पोटेंशियल, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू में केमिकल पोटेंशियल, गिब्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल होते हैं केमिकल पोटेंशियल के, अगर जी जी आई है तो वो म्यू आई हो जाएगा ठीक है। तो उसी तरह से तुमने ध्यान रखना है कि गिब्स फ्री एनर्जी के हमने सिर्फ केमिकल पोटेंशियल मेंशन किया है, ये इसका कोफिशिएंट डिवाइड बाय उसका रिएक्टेंट है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट हमने मेंशन किया है ठीक है। एक इक्वेशन हमारे पास होती है म्यू आई होता है इज इक्वल टू में म्यू नॉट होता है प्लस में आर टी होता है लॉन होता है और ये पी आई होता है ठीक है, ये तुम्हारा म्यू आई चुना। देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें म्यू आई दिस इज योर केमिकल पोटेंशियल, ये एलथ टर्म के लिए, ये आई टर्म के लिए है, ये भी केमिकल पोटेंशियल, ये भी केमिकल पोटेंशियल, लेकिन ये क्या किया गया इन्होंने म्यू नॉट के इक्वल रखा है, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू नॉट हो जाएगा, दैट इज इन स्टैंडर्ड कंडीशन में। ये तुम्हारा नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, कि स्टैंडर्ड कंडीशन जो होती है टेम्परेचर और प्रेशर की उनमें केमिकल पोटेंशियल कितना होगा, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में ये तुम्हारा केमिकल पोटेंशियल हो जाएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है प्रेशर कितना सब कुछ हमें पता होना चाहिए, इसको एस टी पी कंडीशन बोला जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन ठीक है। प्लस में आर टी है, ये तुम्हारा नेचुरल लॉगरिथम और ये तुम्हारा प्रेशर हो जाएगा ठीक है। अब तुमने कुछ भी नहीं करना, ये जो तुम्हारा केमिकल पोटेंशियल है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पर पुट अप करोगे, समझ रहे हो, इस वैल्यू को तुमने यहाँ पर पुट अप करना है, जब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, देखो ध्यान से लिख देते हैं यहाँ पर, एल हो जाएगा म्यू नॉट, एल हो जाएगा प्लस में आर टी पी एल हो जाएगा, दिखाई दे रहा है क्या किया हमने, जो इसका एक कोफिशियंट है इसको बाहर रख दिया हमने, म्यूएल की कंडीशन लिखी है फिलहाल हमने, म्यूएल की जगह हमने इस पूरे इक्वेशन को लिखना है ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, इसका जो कोफिशियंट है इसको बाहर रखा है और म्यूएल की जगह ये पूरी इक्वेशन लिखी है म्यू नॉट एल और प्लस में आर टी एल एन पी एल हो जाए। उसी तरह से एम की कंडीशन लिख दो, एम वाली इक्वेशन लिखो, प्लस एम हो जाएगा कोफिशियंट बाहर, म्यू एम हो जाएगा प्लस में आर टी पी एम हो जाएगा, अब समझ में आई। इसी तरह से तुमने ये क्या लिखी, प्रोडक्ट की कंडीशन लिखी, वहां पे जो म्यूएल था तुम्हारे पास म्यूएल की जगह हमने ये पूरी इक्वेशन लिखी है, क्योंकि ये आईएथ टर्म्स के लिए है, अगर म्यूएल के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट एल हो जाएगा प्लस में आर टी पी एल हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सबके कोफिशियंट को बाहर रखो और जो तुम्हारा म्यू नॉट है उसके सब्सक्रिप्ट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रखो और प्रेशर के टर्म्स में रखो, मतलब प्रेशर के सब्सक्रिप्ट में भी उसको रखो ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो गए प्रोडक्ट हो गए तुम्हारे, ये तुम्हारे क्या हो गए प्रोडक्ट, ये किसके टर्म्स में लिख रहे हो डेल्टा जी है यहाँ पर, डेल्टा जी क्या है लेफ्ट साइड में, इसको मत बोलना डेल्टा जी इज इक्वल टू में है ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है प्रोडक्ट हो गए तुम्हारे, ये क्या है तुम्हारे प्रोडक्ट। उसी तरह से रिएक्टेंट को लिख सकते हो, यहाँ पे किसके लिखोगे रिएक्टेंट को भी लिखोगे, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट की टर्म्स में तो लिखो प्लस इसको माइनस म्यू नॉट ए प्लस में आर टी पी एल ए, और इसका जो कोफिशियंट है वो बाहर रहेगा जैसा हमने अभी पढ़ा, इसका कोफिशियंट बाहर रहेगा प्लस म्यू नॉट बी प्लस आर टी पी बी, और क्या रहेगा बी बाहर कोफिशियंट रहेगा। देखो समझ में आ, देखो ये हमने प्रोडक्ट यहाँ पर मेंशन किया और यहाँ पर हमने रिएक्टेंट रखे हैं, क्योंकि क्या है प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट की कंडीशन है, तो प्रोडक्ट में क्या है ये है तुम्हारे पास प्रोडक्ट के, ये तुम्हारे रिएक्टेंट के, म्यू एल की जगह हमने इस पूरी इक्वेशन को पुट अप किया और कुछ भी नहीं किया, सेम ही है, बस म्यू के साथ हमने ये प्लस वाले टर्म और ऐड कर दिए तो हमारा एक कंप्लीट इक्वेशन आ गए। अब ध्यान से देखो आर टी पी आर टी पी आर टी पी आर टी पी हर जगह है आर टी पी, उसको बाहर निकाल लो, और जहां पर भी तुम्हारा ये है स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल इसको एक साथ कर दो सबको, स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल एक साथ करना है और जितने भी तुम्हारे प्रेशर के टर्म्स दी गई है उनको एक साथ करना है, करो इनको एक साथ एक साथ। अगर इसको हम करते हैं, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ इसको, देखो
इस टर्म को अगर हम ऊपर मेंशन करते हैं तो क्या आएगा हमारा मे नॉट, जितने भी तुम्हारे पास केमिकल पोटेंशियल उनको गेट टुगेदर लिखोगे और प्रेशर को गेट टुगेदर लिखोगे, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू मे नॉट एल एल प्लस एम मे नॉट एम, ठीक है ये है ना, ये तो हमने प्रोडक्ट लिख दिए हैं। माइनस में क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट हो जाएंगे ए म्यू नॉट ए प्लस ए म्यू नॉट बी हो जाएगा तुम्हारा, ये म्यू नॉट बी हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा डिफरेंस, आ जाएगा तुम्हारा डिफरेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल, जितने भी केमिकल पोटेंशियल है म्यू नॉट एल है म्यू नॉट एम है, ये तुम्हारे पास क्या है प्रोडक्ट साइड में, तो दोनों एडिशन में है, तो देखो मैंने प्लस में लिखा म्यू नॉट एल म्यू नॉट एम हो गया। रिएक्टेंट वाले क्या माइनस में है, तो म्यू नॉट ए म्यू नॉट बी यहाँ पर रख दिया, दोनों का माइनस का साइन है, ठीक है। फिर क्या बचा तुम्हारा आर टी बचा, प्लस क्या बचता तुम्हारा आर टी, और प्रेशर वाले टर्म्स लिख दो सारे, प्रेशर वाले कितने टर्म्स है तुम्हारे पास माइनस पी और पी, इसको कैसे लिखोगे एल एल प्रोडक्ट एम एम ए ए बी और बी, ये समझ में आया क्या किया हमने, आर टी को हमने सबसे कॉमन निकाल लिया, इसके पास आर टी इसके पास आर टी, इन सब चारों के पास आर टी, आर टी को हमने बाहर निकाल लिया प्लस आर टी, और PL जो है ये ऊपर वाले हैं तुम्हारे प्रोडक्ट वाले हैं, ये माइनस किसके हैं रिएक्टेंट वाले, अच्छा लॉगरिथम छोड़ दिया लॉगरिथम, ठीक है। अब देखो लॉगरिथम में जो भी तुम्हारे टर्म्स होते हैं, जो तुम्हारे माइनस के टर्म्स होते हैं वो तुम्हारे डिवाइड में चले जाते हैं, जैसे तुम्हें पता है, ठीक है। तो इसके साथ क्या है पूरी इक्वेशन के साथ लॉगरिथम है, तो जो तुम्हारे माइनस में टर्म्स होती है वो नीचे चले जाते हैं, तो मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। इसको अगर हम नीचे लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से इसको थोड़ा ओपन करके लिख देती हूँ, पी ए पी ए पी ए ए ए बी बी सी सी, सॉरी यहाँ पे तो हमारे पास एल एल की कंडीशन है एल एल एम, ठीक है। अब समझ में आप, देखो ध्यान से ये तुम्हारे पास क्या है प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट है, कौन सी कंडीशन है स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो ये भी किसके इक्वल होता है, ये तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी क्या होती है चेंजिंग फ्री एनर्जी किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट होता है, ये भी क्या है प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट है, दिस इज योर प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट है, ये तुम्हारे पास क्या है प्रोडक्ट है, ये तुम्हारे पास क्या है रिएक्टेंट है, समझ में आ रहा है प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट है, और ये म्यू नॉट जो है तुम्हारा केमिकल पोटेंशियल जस्ट स्टैंडर्ड कंडीशन में, ये भी किसके इक्वल होता है म्यू इज इक्वल टू में जी के इक्वल होता है, ठीक है। म्यू जो होता है वो जे के इक्वल होता है, तो ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है, चाहे इसको जी लिखो चाहे इसको म्यू नॉट लिखो एक ही बात है, बस ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो इसको क्या लिख सकते हो डेल्टा जी नॉट लिख सकते हो, डेल्टा जी हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा आर टी हो जाएगा एल एन हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होता है ये भी तुमने सारा पढ़ा था पीछे, दिस इज योर के पी होता है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा के पी दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। कुछ समझ में आया इस इक्वेशन में, देखो कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है, जो फ्री एनर्जी होती है केमिकल पोटेंशियल के इक्वल होती है, कुछ खास हमने इसमें चेंज नहीं किया है कि जो तुम्हारे गिस फ्री एनर्जी दैट इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल के इक्वल होता है, बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है तुम्हारे पास, ठीक है, इसलिए इसको ये भी जी के इक्वल हो जाएगा, बट ये किसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए इसको गिस फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड हमने मेंशन किया है, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, और ये तुम्हें पता ही है कि दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, हमने पहले भी पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था कंसंट्रेशन के टर्म्स में प्रेशर के टर्म्स में, कुछ भी नहीं करना प्रेशर है उसके डाउन में से सबस्क्रिप्ट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइन, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है ये तुम्हारा प्रोडक्ट है ऊपर कोफिशिएंट रहेंगे, ऐसे ही रिएक्टेंट के केस में ऐसे तुम्हारा प्रोडक्ट के केस में रहेगा, ठीक है, इसको हमने मेंशन कर दिया है। अब देखो ध्यान से जब तुम्हारा इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी तब क्या होगा, यही बात तो पढ़ने वाली है, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम आता है तो फॉरवर्ड का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है और बैकवर्ड का जो रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों रिएक्शन इक्वल है, एक फॉरवर्ड में जा रहा है एक बैकवर्ड में जा रहा है, लेकिन दोनों ही क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, जिस रेट से फॉरवर्ड चल रहा है उसी रेट से तुम्हारा बैकवर्ड चलेगा, तो कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, रिएक्शन की जो रेट है वही रहेगी, ना रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा ना बैकवर्ड में जाएगा, दैट विल बी रेट दोनों के इक्वल हो जाएंगे, रेट कांस्टेंट दोनों के इक्वल हो जाएंगे, तो एट इक्विलिब्रियम पे जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी भी चेंज नहीं होती, हमने भी बताया इक्विलिब्रियम कंडीशन में तुम्हारी जो फ्री एनर्जी है वो भी चेंज नहीं होती, दैट इज इक्वल टू जीरो, यानी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा जी क्या क्या आ जाएगा प्लस नॉट आर टी
एलन केपी हो जाएगा, तो इसको उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट हो जाएगा माइनस आर टी एलन केपी। ये तुम्हारी इक्वेशन थी जो तुम्हें फाइंड आउट करनी थी, यही इक्वेशन तुमने इसमें फाइंड आउट करनी थी, दैट इज द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू में आर टी माइनस आर टी, क्योंकि इधर चला जाएगा तो माइनस आर टी लॉन केपी। केपी क्या है तुम्हारे पास, एक रेट कांस्टेंट है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन, इसी को बोला जाता है वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म, जो तुमने पढ़ा है दैट इज योर वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म होता है। नेक्स्ट हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे बिटवीन केपी केसी एंड केएक्स, तीनों के बीच में हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप पढ़ेंगे तीनों के बीच में, ठीक है। ये तुम्हारा एक हो गया है, जबकि हमें ऐसे तीन पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन केपी केसी एंड केएक्स, तीनों के बीच में हमें रिलेशनशिप पढ़ना है। लास्ट वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, इन दो के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा था, लेकिन अब हम तीनों के बीच में पढ़ेंगे केपी केसी और केएक्स, दैट इज मोल फ्रैक्शन, तीनों के बीच में क्या पढ़ेंगे हम रिलेशनशिप, हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, हमने फाइंड आउट किया था कि केपी किसके इक्वल होता है, केपी किसके इक्वल होता है, दैट इज हमारे पास क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ये तुम्हारे पास होता है प्रेशर। केसी किसके इक्वल होता है, सी 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 सी, ये क्या था, सी सी डी डी ए बी बी, ये क्या था ए बी बी सी सी डी डी, ये हमने पढ़े थे, हमने दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े थे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। ये हमने दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े थे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ये प्रेशर 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 कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना, हमने यहाँ पर प्रेशर के टर्म्स में इन चीज़ों को पढ़ा है, तो प्रेशर के टर्म्स में इनको हमने लिख दिया। अब हमें एक और नई टर्म आया, दैट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी हमने इसका रिलेशनशिप निकालना है। एक रॉल्ट्स लॉ सभी ने पढ़ा होगा, रॉल्ट्स लॉ, ठीक है। रॉल्ट्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है, दैट इज पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू में मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में टोटल प्रेशर, ठीक है। ये तुम्हारा है टोटल प्रेशर, इसको भी पी लिख देते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट तो हमने कर ही दिया है, ठीक है। देखो दैट इज योर पार्शियल प्रेशर, क्या ये तुम्हारा पार्शियल प्रेशर, ठीक है। देखो ध्यान से, रॉल्ट्स लॉ ये कहता है जो पार्शियल प्रेशर होता है इज इक्वल टू में मोल फ्रैक्शन मल्टीपल ऑफ टोटल प्रेशर, ठीक है। ये रॉल्ट्स लॉ कहता है, ये तुम सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो प्लस वन टू में, अदरवाइज तुम्हारे फाइनल ईयर में मिलेगा ये। रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर होता है वो इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में टोटल प्रेशर के इक्वल होता है, और जो तुम यहाँ पर प्रेशर की बात करो दैट इज योर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो जहाँ पर भी तुम्हारा ये पार्शियल प्रेशर इस इक्वेशन में मेंशन किया गया है, इस पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पी टी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, ये क्या है पार्शियल प्रेशर, ये भी तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर, जैसे दिस इज ऑल्सो योर पार्शियल प्रेशर, ये भी तुम्हारा क्या है पार्शियल प्रेशर है। तो इस पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है, एक्स पी के, तो इसको लिख दो के पी इज इक्वल टू में किसके इक्वल आ जाएगा तुम्हारा, एक्स हो जाएगा और पी हो जाएगा, उसी तरह से उधर भी हो जाएगा एक्स पी। बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, देख लो ध्यान से, नहीं तो देखते रह जाओगे क्या कर दिया मैम ने, ठीक है। देखो जो पार्शियल प्रेशर, ये भी तुम्हारा पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर जितने भी पी लिखे हैं, चार पी लिखे हैं, चारों के चारों जो पी हैं वो क्या है हमारे पार्शियल प्रेशर है, तो पार्शियल प्रेशर की जगह हमने क्या लिख दिया, एक्स पी एक्स पी एक्स पी एक्स पी, ये तुम्हारे किसके लिए हैं, सी प्रोडक्ट के लिए, ये तुम्हारे डी रिएक्टेंट और सॉरी ये तुम्हारे सी के लिए, तुम्हारे डी के लिए, तुम्हारे ए के लिए, तुम्हारे पी के लिए, हमने लिख दिया है, ठीक है। यानी पी की जगह हमने ये मेंशन किया, पी की जगह हमने ये मेंशन किया। अब इसमें देखो क्या पावर है इसकी, वो पावर लिख दो, पावर ही लिखो स्क्वायर ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट का मींस क्या होता है, कंसंट्रेशन, तो वो तो कंसंट्रेशन ही आ जाएगी, उसको तुम नहीं लिखोगे, तो रेस्ट पावर लिखो सी सी, इसकी रेस्ट पावर सिर्फ कोफिशेंट होगा डी डी, और इसकी रेस्ट पावर क्या होगा तुम्हारा, सिर्फ कोफिशेंट होगा डी, ठीक है। इसमें भी ऐसे करोगे ए ए ए बी बी और बी,
समझ में आ, क्योंकि प्रेशर में सिर्फ कोफिशिएंट टर्म तुम्हारी यूज होती है और मोल फ्रैक्शन में दोनों चीज लिख रहे हैं। देखो अगर छोटा सा डिफरेंस बताऊं, जहां पर भी मोल फ्रैक्शन लिखा है एक्स तुम्हारा क्या मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन में दोनों चीज लिखनी है, कोफिशिएंट भी और सुपरस्क्रिप्ट भी और सबस्क्रिप्ट दोनों चीज लिखनी है, यानी कोफिशिएंट भी लिखना है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखना है। ये देखो तुम्हारा प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा कोफिशिएंट, प्रोडक्ट कोफिशिएंट, रिएक्टेंट कोफिशिएंट, रिएक्टेंट कोफिशिएंट, समझ में आ रहा कौन से रिएक्शन में चल रहे हो तुम। रिएक्शन तुम्हारे पास ये है, ए ए है प्लस में बी बी है कन्वर्टेड इनटू सी सी डी और डी, इसमें ए और बी तुम्हारे रिएक्टेंट्स हैं, सी और डी तुम्हारे क्या हैं प्रोडक्ट्स हैं, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। अब एक्स एक्स को बाहर निकाल लो, एक्स एक्स को एक साइड रखो, प्रेशर प्रेशर को तुम क्या करोगे एक साइड रख लोगे, तो मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन प्रेशर और प्रेशर दोनों ऊपर वाले दोनों पावर दोनों ऐड हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास सी सी डी डी ए ए बी बी, ये तुम्हारे क्या होंगे पी की पावर क्या है एल है, और पी की पावर एल कहाँ से है, पी की पावर सी है, पी की पावर सी है, पी की पावर डी है, यानी ये तुम्हारे कोफिशेंट हैं, सी और डी दोनों क्या मल्टीप्लाई में दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी सी प्लस में डी हो जाएगा। और नीचे वाला भी तुम इस तरह से करोगे, नीचे वाला प्रेशर में क्या है ए और बी है, तो ए प्लस बी हो जाएगा। लास्ट वीडियो को ध्यान से देखो, कुछ मिस्टेक हुए तो यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ऊपर वाला जो कोफिशिएंट है प्रेशर के दोनों कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में इसलिए ऐड हो जाएंगे, नीचे वाले दोनों प्रेशर क्या है पी ए एंड पी बी प्रेजेंट है, पी ए और पी बी दोनों को ऐड कर दो क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको ऊपर ले जाओगे क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, इसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो क्या इक्वेशन बनेगी तुम्हारी वो ध्यान से देखो, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, माइनस में क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यानी कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस में सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू में डेल्टा एन के इक्वल होता है, तो ये पूरी टर्म किसके इक्वल होती है तुम्हारी डेल्टा एन के इक्वल होती है, पहले पढ़ चुके हैं। डेल्टा एन क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्या बोल रही हूँ सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स, दोनों का जो माइनस होता है दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो डेल्टा एन इसको लिख सकते हैं, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ के एक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं के एक्स लिख सकते हैं, तो के पी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा के एक्स हो जाएगा पी रेज टू पावर डेल्टा एन हो जाएगा, समझ में आ। अब हमने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया है, के पी और के एक्स का हमने रिलेशनशिप यहाँ से फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो यहाँ से हमने के पी के एक्स और प्रेशर इन तीनों का हमने यहाँ पे क्या किया है एक रिलेशनशिप निकाला है, ये तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन दैट इज के पी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और डेल्टा एन तुम्हारा क्या है दैट इज डिफरेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट है, ठीक है। अब अगर तुम्हें निकालना हो यहाँ से केसी के टर्म्स में अगर तुम इसको फाइंड आउट करना चाहते हो वो हम अभी देख लेते हैं किस तरह करोगे। हमें पता है लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें क्या आया था हमारे पास के पी इज इक्वल टू में क्या आया था के सी आर टी डेल्टा एन आया था हमारे पास, अगर ये इक्वेशन ध्यान है तो इसको तुम यहाँ पर रख सकते हो दैट इज के सी आर टी डेल्टा एन हो जाएगा, के सी आर टी डेल्टा एन हो जाएगा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा के एक्स हो जाएगा पी रेस्ट पर डेल्टा एन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है इसको भी उधर ले जाओ, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ अच्छे से ध्यान आ जाएगा तुम्हें इन चीज़ों का रिलेशनशिप कैसी है। देखो हमारे पास इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिख रही हूँ के पी किसके इक्वल होता है, लास्ट में हमने वीडियो में हमने ड्राइव किया था के पी इज इक्वल टू क्या आया था के सी आर डेल्टा एन आया था, इसको हम ऊपर लिख देते हैं के सी आर टी डेल्टा एन इज इक्वल टू में के एक्स पी रेस्ट पावर डेल्टा एन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे आर टी को उधर ले जाओ के सी इज इक्वल टू में के एक्स पी अपॉन में आर टी, दोनों में कांस्टेंट जो है डेल्टा एन जो है वो हमने बाहर निकाले क्योंकि इसके पास भी डेल्टा एन पावर है इसके पास भी डेल्टा एन पावर है, अगर डिवाइड में लेके जाओगे तो पी अपॉन आर टी दोनों की पावर कॉमन है तो हमने डेल्टा एन बाहर रख दिया है। पी अपॉन आर टी क्या होता है तुम्हारे पास वन बाय वॉल्यूम हो जाएगा, ये देखो ध्यान से पी वी इज इक्वल टू एन आर टी तुम्हारे पास होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यानी पी अपॉन में एन आर टी अगर होता है तुम्हारे पास पी अपॉन में एन आर टी क्या हो जाएगा वन बाय वी हो जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन देखो आइडियल गैस इक्वेशन में क्या होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, यहाँ से वन बाय वी निकालो
वी उधर चला जाएगा, एन आर टी इसके डिवाइड बाई में हो जाएगा, अगर एन नंबर ऑफ मोल्स को अगर वन लेते हो तो ये दोबारा खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो पी अपॉन में आर टी किसके इक्वल है, वन बाय वी के इक्वल है, तो वन बाय वी रख सकते हो यहाँ पे, तो के एक्स वन बाय वी रेज टू पावर डेल्टा एन इज इक्वल टू में के सी हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो तुम, वॉल्यूम को उधर लेके जा सकते हो, वॉल्यूम को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसमें सारी चीज वैसे हो जाएंगी तुम्हारी, कहाँ पहुंच गए थे हम, यहाँ पहुंच गए थे, के सी इज इक्वल टू में के एक्स होता है वन बाय वी डेल्टा एन तुम्हारे पास होता है, यहाँ से तुम क्या करोगे इस वॉल्यूम को उधर ले जाओ तो के एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, के सी वी डेल्टा एन, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यानी रिलेशनशिप हमने निकाल लिया है के पी और के एक्स के बीच में और के सी और के एक्स के बीच, तो के एक्स इज इक्वल टू में के सी वी रेज टू डेल्टा एन, दैट इज योर मॉड फ्रैक्शन, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ही हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।